हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मोड GTA 5 में। उसके लिए आपको चार चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ओपन IV, स्क्रिप्टुक, एडवन पेट्स और मेन्यू ट्रेनर। अगर ये तो चारों चीज़ें आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो चारों वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाना है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मोड के लिए। यहाँ पर डाउनलोड बटन, उस पर आपको क्लिक करना है तो ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मोड डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें दो चीज़ें होगी, ये .oiv है, हम OpenIV ओपन करेंगे, पैकेज इंस्टॉलर, उसमें जो .oiv फाइल है वो हम ओपन करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। मोड्स इंस्टॉल, इसमें मैंने तीन शिप है वो डाली है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के, और वेपन में जो कटाना वेपन है वो डाला है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एडिट मोड ऑन करेंगे, मोड्स में जाएंगे, अपडेट, X64, DLC पैक्स, एड ऑन पेट्स, DLC पेट्स। इसमें हम ये जो पेट्स में ये 8 चीज़ें हैं, जैक स्पैरो और डेवी जॉन्स की जो पेड़ है वो हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हम एड ऑन पेट एडिटर ओपन करेंगे, उसमें पेट्स, न्यू पेट, उसमें हमारा जो मॉडल नेम है जैक स्पैरो पहला वो टाइप करेंगे, पेट टाइप मेल, स्ट्रीम में फॉल्स 8 पेट, दूसरा पेट है वो टाइप करेंगे डेवी जोन्स, पेट टाइप मेल रखेंगे, स्ट्रीम में फॉल्स 8 पेट। इसमें तीसरा पेट भी मैंने डाला है स्केलेटन का और रिबिल्ड करेंगे। गेम के अंदर हम एल बटन प्रेस करेंगे, उसमें दो पेड हो गए, डेवी जोन्स और जैक स्पैरो। ये है डेवी जोन्स का पेड। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी आपने देखी होगी तो आपको पता होगा ये जैक स्पैरो। अब दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अब हम मेन्यू ट्रेनर ओपन करेंगे F8 प्रेस करके, उसमें वेपन्स ऑप्शंस में जाएंगे, इंडिविजुअल वेपन कस्टमाइजेशन, फेवरेट्स, एड न्यू वेपन, उसमें हम वेपन अंडरस्कोर कटाना टाइप करेंगे और नेम में कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने कटाना रखा है। अब कटाना में जाके हम इक्विप वेपन करेंगे तो ये हमारा वेपन आ चुका है कटाना, जैक स्पैरो का वेपन। अब हम यहाँ पे बीचों बीच जाएंगे ओशन के, सिंपली टेलीपोर्ट हो जाएंगे वे पॉइंट। तो हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका है। अब हम मेन्यू ट्रेनर ओपन करेंगे, उसमें व्हीकल ऑप्शंस में व्हीकल स्पॉनर में जाएंगे, उसमें इनपुट मॉडल में RBO80 Arbo टाइप करेंगे फ्लाइंग डचमैन शिप के लिए। तो ये है हमारी फ्लाइंग डचमैन शिप। अब मेन्यू ट्रेनर में जाएंगे, इनपुट मॉडल में हम SR510 टाइप करेंगे क्वीन एंड रिवेंज शिप के लिए। तो ये हमारी दूसरी शिप। इसमें कोलिजन नहीं है इसलिए आप इस बोट पे घूम नहीं सकते। अब ये जो फाइनली तीसरी बोट है वो असली बोट है। हम इनपुट मॉडल में जाके विक्टरी ऐसा टाइप करेंगे, ये बड़ी बोट है बहुत, आप इसमें घूम भी सकते हो।
अब हम मेन्यू ट्रेन ओपन करके उसमें व्हीकल ऑप्शंस में मेन्यू कस्टम्स में जाएंगे, उसमें एक्स्ट्रास में जाएंगे, उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेल्स एंड कैनन्स को हम हाइड और शो करा सकते हैं। इसमें आप सब कुछ शो करना है आपको। तो ये हमारी विक्ट्री शिप देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ी है ये। आप इसमें उतर के घूम भी सकते हो, जैक स्पैरो। तो दोस्तों ये था वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मोड GTA 5 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।